ठेके पर मजदूरी, ठेके पर काम देने का, जहां कानून बनता है, जहां देश की सब लोगों की निगाह लगी रहती है, यहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, यहां से वहां तक। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे। शरद यादव उन गिने चुने नेताओं में से रहे जो आजीवन गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों के लिए संघर्ष करते रहे, लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। राज्यसभा में लगभग 5 साल पहले जब पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर के बिल आया था, संशोधन आया था, उस पे बोलते हुए शरद यादव ने क्रीमी लेयर और ठेकेदारी प्रथा का विरोध किया था। सुनिए, उन गिने चुने उनके भाषणों में से एक है ये, जिसमें शरद यादव ने कितनी गंभीर बातें कही थी। ये बहुत जमा हुआ देश है, बड़ी कठिनाई से सरकता है। ये जो क्रीमी लेयर लगाया है, ये बहुत संविधान के साथ सबसे बड़ा अन्याय है, और संविधान बनाने का तो हमारा है। यानी आपने 6 लाख रखा है, मैं क्या कहूँ आपसे, 52 से 55 बच्चे जो पास हो गए, उनकी खोजबीन हो रही है कि उनकी आमदनी क्या है। एक बात कहना चाहता हूँ, इस सदन में आप मालिक हैं, सदन में बैठे हैं, कोई सरकार रही हो, लेकिन इसी सदन में गकवर्ड कमीशन है, शेड्यूल कास्ट का कमीशन है, ट्राइबल्स का कमीशन है, यहाँ ठेके पर मजदूरी, ठेके पर काम देने का, जहाँ कानून बनता है, जहाँ देश की सब लोगों की निगाह लगी रहती है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, यहाँ से वहाँ तक, जो ठेकेदार है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर यहाँ लगाए हुए हैं, ये जो दलित है उनको तो, ये जो सफाई वाले लोग हैं ये 10,000-8,000 रुपये में है, ये पानी पिला रहे हैं ये 8,000 में। यानी आप यहाँ सदन, ये सदन है, और ये आपके अकेले नहीं, आपके नजरिए नहीं, कई वर्षों से सब सरकारों के जरिए ये सिलसिला शुरू हुआ है। यानी यहाँ आप न्याय नहीं कर सकते, सारे देश से चुन के आते हो तब न्याय नहीं कर सकते हो, कहाँ न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सर जो सब तरह के न्याय करती है, उसके सारे कैंपस में जो भी एम्प्लॉय लगता है उसमें रिजर्वेशन नहीं है। न्याय जहाँ है वो न्यायालय रिजर्वेशन में क्रिमिनल लगाता है, और वो न्यायालय अपने यहाँ भी छत्रपति साहू महाराज की आपने जिक्र किया, इतनी लंबी श्रृंखला है सामाजिक विषमता की लड़ाई की, क्या मैं बताऊँ, ये जात जो है इसने तबाही, ये चीन कैसा बुलंदी से बोल रहा, मान 95% हान है, 95% में कोई फर्क नहीं है, यहाँ 1 लाख जात है। मैं उसमें विस्तार में नहीं जाता, क्रिमिनल लेयर के लिए तत्काल इसे खत्म करिए, और मैं आपसे कहूँ कि सदन में तो कम से कम इस पार्लियामेंट में जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये ठेके के मजदूर लगाने का काम, और यहाँ से संदेश जाना चाहिए, पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, ये सदन जो है वो यहाँ इस तरह से आदर्श पे चलती है, यहाँ से संदेश जाएगा तो फिर सब विभाग में जाएगा, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिया जा रहा है, सारी पब्लिक सेक्टर में लिया जा रहा है, कहाँ से, और प्राइवेट से आप पब्लिक सेक्टर को आप उनको डिसइन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। आप बताइए कहाँ से रिजर्वेशन का मतलब है। ये जो कमीशन है, मैं इसके हक में, मैं मानता हूँ कि भूपेंद्र जी ने इस पर काफ़ी मेहनत की, अच्छा, इसके सदस्यों ने बहुत मेहनत की है, आपके देवेंद्र सिंह जी हैं से लेकर के, आपके हरिप्रसाद जी से लेकर के, खूब पढ़ करके, इन रामगोपाल जी थे, मैंने तो ज़्यादा इसमें नहीं कोई सफेल की है, मैं इतना ही निवेदन करूँगा आपसे, मेरी विनती आपसे, आपके माध्यम से सरकार से, ये अन्याय यहीं से ख़त्म करिए, ये क्रिमिनलियर ख़त्म करिए, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर ठेके पर जो यहाँ जो सफाई मजदूर हैं उनके बारे में हम रोज़ वहाँ जाते हैं, हमको दया नहीं आती, क्या है हमारा हृदय, हम देश भर के लोगों की तरफ से यहाँ बैठे हैं, ये जो पानी पिलाने वाला है 8,000 रुपये देते हैं उसको,
ये नहीं, हाँ तो ठीक कर लीजिए, मेरा यही विनती है सरकार से आपके बात में, मैं इन बातों के साथ अपनी बात को बहुत बहुत आपका आभार मानता हूँ कि मुझे आपने दो मिनट का समय दिया। धन्यवाद। सुना आपने, पिछड़ों को जो आरक्षण मिल रहा है उसमें क्रिमिलेयर का विरोध कर रहे हैं कि जो बच्चे जो एस्पायरेंट्स पास हो जाते हैं उन्हें इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दौड़ना पड़ता है, उस आधार पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्होंने गंभीर सवाल उठाया है कि जिस संसद में हम बोल रहे हैं, जहां से देश के लिए कानून बनता है, उस संसद में ठेकेदारी प्रथा के तहत कर्मचारी रखे जाते हैं जिसमें 8 से 10 हज़ार रुपये उन्हें सैलरी मिलती है, ये हम क्या कर रहे हैं? चाहे कोई भी सरकार रही ही हो, ये प्रथा चली आ रही है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ऐसा शरद यादव ने कहा था। तो शरद यादव को याद किया जाएगा, निश्चित रूप से कई विवादित बातें भी उन्होंने बोली है, लेकिन किसी के भी निधन के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। वो बेबाक नेता रहे, स्पष्ट बोलते थे कि उन्होंने पिछड़ों, दलितों, गरीबों के लिए आवाज़ उठाई और संघर्ष भी किया। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।